हेलो दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है व्यक्तित्व का स्वरूप, विकास और निर्धारण, यानी कि पर्सनैलिटी नेचर डेवलपमेंट असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व होता क्या है। यद्यपि व्यक्तित्व शब्द बहुत व्यापक है और व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में किया करते हैं, परंतु जब आप कहते हैं कि राम का व्यक्तित्व अच्छा है, तब प्रायः इसका तात्पर्य होता है कि राम की शारीरिक रचना बहुत बड़ी ही सुंदर है, यानी कि वह देखने में स्वस्थ, सुंदर और युवा है। किंतु यह विचार उन्हीं लोगों का है जो लोक सेवा आयोग के चुनाव मंडल के समक्ष उपस्थित होते हैं। उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सुंदर है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, दूसरों को अपने ढंग से आकर्षित कर सकता है, तो वह अवश्य ही सफल हो सकता है, क्योंकि ये सब एक अच्छे व्यक्ति के गुण समझे जाते हैं। परंतु वास्तविक रूप में ये विचार त्रुटिपूर्ण है। ये हेतु सत्य है कि व्यक्तित्व के अंदर ये सब बातें सम्मिलित हैं, किंतु कुछ शेष बातें और भी हैं जो हमारे कहने कि राम का व्यक्तित्व अच्छा है में अंतर्निहित है। व्यक्तित्व की सामान्य अवधारणा। व्यक्तित्व शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के पर्सनेयर शब्द से माना गया है, जिसका तात्पर्य ध्वनि करने के सादृश्य से है। व्यक्तित्व शब्द की एक पात्र की आवाज़ को भी व्यक्त करता है जो देश बदले हुए होता है, जो वेश बदले हुए होता है। ईसा से एक सदी पूर्व पर्सोना शब्द व्यक्ति के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में किया जाता था। अधिकतर नाटकों आदि में इस शब्द की महत्ता थी, किंतु वर्तमान काल में प्राय व्यक्तित्व शब्द से हमारा तात्पर्य ऐसे संगठन से है जिसमें बहुत से मानवीय गुण अंतर्निहित और संगठित होते हैं, किंतु व्यक्तित्व का ये विचार मानवीय गुणों के बारे में हमें कोई निश्चित माप नहीं देता। कुछ व्यक्ति अपना मत इस प्रकार प्रकट करते हैं कि व्यक्तित्व में वे सभी बातें आती हैं जिनको लेकर एक व्यक्ति पैदा होता है, जिनको वातावरण प्रभावित नहीं कर पाता और जो व्यक्ति की प्रतिक्रिया में झलकती है। अन्य व्यक्ति व्यक्तित्व को ये कहकर स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि व्यक्तित्व ही व्यक्ति है और इन शब्दों को एक दूसरे में परस्पर परिवर्तन हो सकता है। यही नहीं, कुछ व्यक्ति व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि व्यक्तित्व मानव व्यवहार का प्रतिमान है जो किसी परिस्थिति विशेष के प्रति उत्तर में किए जाते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं तथा जिसका उस परिस्थिति विशेष से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार विभिन्न मतों का मूल्यांकन करते हुए हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि व्यक्तित्व के सामान्य विचार बहुत ही व्यापक हैं और विभिन्न व्यक्ति उन्हें मत अनुसार स्पष्ट करते हैं। अतः संक्षेप में व्यक्तित्व को स्पष्ट करना बड़ा ही दुस्तर कार्य है। फिर भी आगे व्याख्या में हम व्यक्तित्व की सही परिभाषा पर विचार करेंगे, जिससे अधिकतर मनोवैज्ञानिक असहमत हो सकते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए गए हैं, किंतु उनमें जो महत्वपूर्ण हैं और आवश्यक परिभाषाएँ हैं उनका हम यहाँ विवेचन कर रहे हैं। पहली परिभाषा है बारेन की। व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में हो सकता है। बारेन का ये कथन पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की रचना ऐसे समूहों, भागों, संगठनों में नहीं होती, जो कुछ मानसिक और कुछ शारीरिक होते हैं, किंतु इसके विपरीत व्यक्ति की क्रिया बड़ी ही उलझी हुई है और वातावरण से घनिष्ठ रूप से संबंध है। ये परिभाषा मानसिक और शारीरिक संगठन को एक दूसरे से अलग कर देती है, अतः यही स्थिति हमें स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट है रैक्स रॉक की। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है। ये परिभाषा भी उपयुक्त नहीं है, जैसा कि परिभाषा के विश्लेषण द्वारा हमें पता लगता है। ये परिभाषा हमारे सामने व्यक्तित्व का मत उपस्थित करती है। ये व्यक्तित्व हमें उसी समान प्रतीत होता है जैसे एक व्यक्ति एक सिर रखता है, एक हाथ रखता है तथा एक व्यक्तित्व है, परंतु सिर, हाथ अथवा किसी अंग इत्यादि की तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व नहीं होता, अतः ये परिभाषा हमें मान्य नहीं हो सकती। इस प्रकार ये परिभाषा न केवल व्यक्तित्व को अत्यंत सरल रूप देती है, वरन इसका निर्धारण द्वंद्वात्मक अथवा द्विअर्थी हो जाता है। दैशील की निम्न व्याख्या हमें उपयुक्त प्रतीत होती है। दैशील के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से उसकी प्रतिक्रियाओं की और प्रतिक्रियाओं की आवश्यकताओं की उसी ढंग की व्यवस्था है जिस ढंग से सामाजिक प्राणियों द्वारा आगे जाती है। ये व्यक्तित्व के व्यवहारों का एक समायोजित संकलन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है।
इस प्रकार ये परिभाषा व्यक्तित्व की प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों का ढंग बताती है। साथ इसमें व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं समझा गया है, किंतु परिवेश के अन्य प्राणियों को भी सम्मिलित किया गया है। इस परिभाषा को हम संगत कह सकते हैं क्योंकि ये व्यक्तित्व पर पूर्ण रूप में प्रकाश डालती है। विश्वासपूर्ण ढंग से ये भी सत्य है कि मानव व्यक्तित्व तभी समझा जा सकता है जब व्यक्ति अन्य प्राणियों के संपर्क में आकर प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर करता है। किस तरीके से ये व्यक्तित्व का चित्र है? लिंकन के दो चित्र हैं, एक में दाढ़ी है और एक में दाढ़ी नहीं है। देखिए, केवल दाढ़ी के बढ़ाने से व्यक्तित्व प्रभावशाली प्रतीत होने लगा, किंतु व्यक्तित्व केवल शारीरिक सौंदर्य पर निर्भर नहीं होता। यद्यपि साधारण व्यक्ति इसको ही व्यक्तित्व आंकने में महत्व देते हैं, हम लिंकन को महान उसके शारीरिक व्यक्तित्व के कारण नहीं बल्कि उनके विचार, व्यवहार एवं कार्यों के कारण मानते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।